हाँ जी 10th क्लास बेटा हुण करन जा रहे हैं आपां एक्सरसाइज 6.4 दा ही 5th सम। सो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नूं ध्यान दे नाल पढ़ना है। डी ई एंड एफ आर रिस्पैक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी। कि आपां नूं ट्रीएंगल गिवन है ए बी सी जिहदे मिड पॉइंट्स ने डी ई एफ किहड़ी किहड़ी साइड दे ए बी बी सी ते सी ए दे। आपां ने निकालना की है फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रीएंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। सब तो पहले आपां डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो दिता है वो अकॉर्डिंगली कि एक ट्रीएंगल गिवन है आपां नूं ए बी सी ते ए बी साइड का मिड पॉइंट दिता आपां नूं उन्होंने डी कि मान लो आ मिड पॉइंट है डी बी सी साइड का मिड पॉइंट हैगा ई यानी बी सी साइड का एक कोई मान लें आपां ई ते ए सी साइड का आपां नूं मिड पॉइंट दिता हुआ दैट इज़ एफ। ठीक है, सो आपां नूं ट्रीएंगल दी रेशो पता करनी आपां एरिया दी डी ई एफ ते ए बी सी। ए बी सी तां अपने कोल बनिया होया सो इहनूं आपां ड्रॉ कर लैंदे आ दैट इज़ डी ई एफ। ठीक है, सो सब तो पहलां जो जो चीज़ गिवन आ उहनूं लिख लैंदे आ फिर आपां इहनूं किवें फाइंड करांगे आपां उह करदे आ। प्रूफ गिवन आपां नूं की हैगा ट्रीएंगल ए बी सी जिहदे विच की हैगा अपने को डी इज़ अ मिड पॉइंट किहदा आ डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड दा आ और ई जिहड़ा आ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किहड़ी साइड दा आपां नूं बी सी दा और एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किहड़ी साइड दा ए सी साइड दा। तुसीं बेटा उहनूं प्रॉपर लिखियो। ठीक है, तो हुण आपां ने फाइंड की करना वा, टू फाइंड करना आपां ने रेशो निकालनी आ एरिया ऑफ ट्रीएंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी, ये आपां ने निकालनी आ। तो जदों भी अपने कोल गल आती है एरिया की रेशो की तो साडे दिमाग च सब तो पहला सिमिलैरिटी ट्रीएंगल आती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रीएंगल थ्यूरम कि आपां एरिया की रेशो बैटर तरीके नाल निकाल सकते हैं अगर ये दोनों ट्रीएंगल्स की हुण सिमिलर, अगर वो दोनों ट्रीएंगल सिमिलर ने तद उन्होंने एरिया की रेशो किहदे इक्वल आ जाती है उन्होंने कोरसपोंडिंग साइड के स्केयर के इक्वल, यही आप थ्यूरम च पढ़ के आए हैं है ना। सो सब तो पहला जरूरत है सानू इन्हां नूं दोनों नूं सिमिलर प्रूफ करना किहड़ी किहड़ी ट्रीएंगल नूं डी ई एफ नूं और ए बी सी नूं। सो हुण इहनूं असीं सिमिलर किद्दां प्रूफ करांगे, सिमिलर आपां जदों भी प्रूफ करदे हां असीं दित्ती हुई इनफॉर्मेशन ते प्रूफ करदे हां ते इत्थे सानूं सिर्फ ते सिर्फ की गिवन आ मिड पॉइंट गिवन है है ना। सो मिड पॉइंट्स नूं ही आपां यूज़ करके इहनूं सिमिलर प्रूफ करांगे ते उह किस तरह करांगे देखो 9th क्लास च तुसीं इक मिड पॉइंट थ्यूरम करके गए सीगे, मैं थोड़ा जिहा तुहानूं रिकॉल करा दिंदी उहदे बारे, वैसे तां तुहानूं आउंदी होणी है। मिड पॉइंट थ्योरम की कहती है कि अगर साडे कोल कोई भी ट्रीएंगल है किसी दो साइड्स दे अगर असी मिड पॉइंट नूं ज्वाइन करके कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह तीसरी साइड दे की हुंदी आ पैरलर हुंदी आ। मान लो कि अगर ट्रीएंगल ए बी सी आ तो ये मिड पॉइंट्स आ पी क्यू आप मान लें इन्हों ज्वाइन करके असी पी क्यू लाइन ड्रॉ करांगे तो पी क्यू हमेशा पैरलर होगी कि बी सी दे। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम ये रिजल्ट कहती है, दूसरा रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम का की है कि जेडे भी मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर असी लाइन ड्रॉ करते हैं वह हमेशा जिहड़ी भी लाइन के पैरलर आ हुंदी आ हाफ हुंदी आ, यानी कि अगर असी पी क्यू की वैल्यू निकालनी आ तो हमेशा हाफ होगी कि बी सी का। दो रिजल्ट याद रखने ने, मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन करके जिहड़ी भी लाइन ड्रॉ करांगे वो थर्ड साइड की होगी पैरलर तो वो लाइन हमेशा हाफ होगी कि तीसरी साइड का। ठीक है, आही दो रिजल्ट आपां यूज़ करांगे इस सम नूं प्रूव करन दे लई। ठीक है, सो मिड पॉइंट्स की गल करते हैं, सब तो पहला सानूं पता वा आपां डी ई दी डी एफ की गल कर लैंदे आ। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स केड़ी केड़ी साइड दे मिड पॉइंट ने आपां नाल दी नाल उन्हों मैनशन करांगे। मिड पॉइंट्स ऑफ केदे केदे ए बी दे, ए बी दा डी है ते एफ केदा आ सी ए दा, ए बी एंड सी ए। हुण देखो बेटा अगर डी एफ मिड पॉइंट है आपां हुणे थ्यूरम च कीता कि डी एफ ते बी सी दोनों की होणगे पैरलर होणगे, इट मीनस की होया डी एफ पैरलर होगा किहदे बी सी दे। अगर डी एफ बी सी दे पैरलर आ तो इट मीनस डी एफ ई सी दे भी तो पैरलर ही होया क्योंकि ई सी भी तो उहदा ही पार्ट है। सो आपां कह सकते हैं कि डी एफ इज़ ऑलसो पैरलर टू ई सी, राइट। तो दूसरा आप मिड पॉइंट की कि गल करके गए हैं एफ की गल कर ई की गल करके गए है ना। डी एंड एफ दोनों की आ मिड पॉइंट्स ने तो यदा मतलब डी पॉइंट की आप गल की बी सी की तो जड़ा डी मिड पॉइंट है अपने कोल ए बी का है तो एफ मिड पॉइंट है साढ़े कोल ई सी का पॉइंट है, राइट। तो इस तरह ही हुण आपां दूसरा की पॉइंट लै सकते हैं कि जिहड़ी डी ई साइड आ वो पैरलर किदे होगी ए सी दे क्योंकि डी ई इन्हां दो साइड के मिड पॉइंट आ तो पैरलर किदे होणगे तीसरी साइड के। फिर इदां आपां थ्योरम ते अप्लाई करांगे इहदे मिड पॉइंट्स ने दोनों, ठीक है, तो पैरलर किदे होणगे ए सी दे। अगर डी ई जिहड़ा आ अगर डी ई जिहड़ा आ डी ई जिहड़ा आ वो पैरलर आ
ए सी दे, तो इहदा मतलब डी ई पैरलर किहदे होगा, एफ सी दे वी तां पैरलर ही होगा क्योंकि वह भी ए सी का की आ पार्ट आ। इहदा मतलब डी ई इज़ ऑलसो पैरलर टू किहदे होगा, एफ सी दे। ठीक है, ये सारा कुछ सानू कित्थों मिलिया, बाय मिड पॉइंट थ्यूरम। लिख देना नाल, मैनशन जरूर कर देना आ रीज़न। ये सारा कुछ असी क्यों लिखिया, हुण अगर डी एफ इन्नी चीज़ पर फोकस करना आपां, डी एफ पैरलर आ ए सी दे, तो डी ई पैरलर आ एफ सी दे। तो हुण जिन्नी चीज़ मैं ड्रॉ करूँगी सिर्फ उन्नी ते फोकस करियो, डी एफ पैरलर आ एफ सी एफ ई सी दे, ए पैरलर आ ए दे, तो डी ई पैरलर आ कि एफ सी दे। तो यदा मतलब भी फिगर की बन गई, पैरलेलोग्राम। सो ये फिगर की बन जाती है, पैरलेलोग्राम। देयरफोर आप कह सकते हैं डी ई सी एफ इज़ आ पैरलेलोग्राम। तो अगर ये पैरलेलोग्राम है तो आपको पता है पैरलेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल की होंगे, इक्वल। यदा मतलब एंगल डी हमें किदे इक्वल आजूगा, एंगल सी दे, यानी कि इन एंगल वन दे देने, एंगल कि दे दें टू दे दें। सो इट मीनस आप कह सकते हैं देयरफोर एंगल वन इक्वल किदे होगा, एंगल टू दे। रीज़न आप दस सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरलेलोग्राम, क्योंकि पैरलेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल की होंगे, इक्वल। ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं पता ना, क्योंकि असी इन दोनों ट्रीएंगल्स सिमिलर प्रूफ करना है। सो एंगल वन टू दे प्रूफ करता इक्वल। हुण असी दूसरी चीज़ लैके चलते हैं सिमिलरली, जिस तरह डी ते एफ मिड पॉइंट सिगे, इस तरह ही आप हुण कह सकते हैं कि जिहड़ी डी एफ साइड आ वह पैरलर किहदे आ, बी सी दे आ। आपां एक गल कीती आ पहले स्टार्टिंग च कि डी एफ जिहड़ा आ पैरलर आ बी सी दे। अगर ये बी सी दे पैरलर आ, तो बी ई दे भी तो पैरलर हैगा ही है, अगर वो ई सी दे पैरलर सी, सो डी एफ ऑलसो पैरलर किहदे आजूगा, बी ई दे, राइट। तो इस तरह ही दूसरी साइड पर आप लैके चले सी कि जिहड़ा ई एफ आ, अगर वो पैरलर हैगा वा ए बी दे, ई एफ आ ई एफ, ठीक है, आई दोनों मिड पॉइंट आ पैरलर दूसरी साइड दे आ गए। याद रखो बेटा आ दो साइड दे यह मिड पॉइंट आ, पैरलर होए तीसरी साइड दे। ई एफ जिहड़ा आ पैरलर आ कि ए बी दे, तो आप कह सकते हैं कि ई एफ पैरलर होगा कि डी बी दे भी तो पैरलर ही होगा फिर, वो क्योंकि वह भी तो ए बी का की आ पार्ट आ। सो आप कह सकते हैं कि जिहड़ा ई एफ आ वो नाल दी नाल पैरलर कि होगा डी बी दे। सो हुण आप इधर बनावांगे, हुण अगर ये पैरलर ने तो यह की बन गया, एक दोबारा की बन गया, एक पैरलेलोग्राम। इन्नी चीज़ पर फोकस करियो, डी एफ जिहड़ा आ पैरलर आ बी ई दे, ई एफ पैरलर आ कि डी बी दे। इहदा मतलब की बन गया साढ़े को, डी बी ई एफ इज़ आ पैरलेलोग्राम, डी बी ई एफ इज़ आ पैरलेलोग्राम। तो की बन गया, पैरलेलोग्राम। हुण जे ये पैरलेलोग्राम बन गया तो ये ऑपोजिट एंगल आ वाले आ जाएंगे, तो ये दोनों की आ गया इक्वल, यानी एंगल थ्री इक्वल कि आ गया एंगल फोर दे। सो आप कह सकते हैं कि एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। रीज़न फिर सेम ओही, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलेलोग्राम, राइट। हुण असी इन्हां ट्रीएंगल्स नूं सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, इन ट्रीएंगल डी ई एफ एंड ट्रीएंगल ए बी सी। आपां नूं पता कि डी ई एफ दा एंगल वन ते टू दोनों की ने, इक्वल ने, तो इस तरह ही एंगल थ्री तो एंगल थ्री के वा डी ई एफ का, एंगल फोर के वा ए बी सी का, एंगल थ्री इक्वल के दे एंगल फोर दे। सो आप कह सकते हैं असी प्रूवड कर चुके हैं उपर, सो आप कह सकते हैं ट्रीएंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रीएंगल ए बी सी। अगर ये सिमिलर है तो आप कर चुके हैं कि दोनों की एरिया की रेशो, बिकॉज ये सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रीएंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी इक्वल के होगा इन्हों की कोरसपोंडिंग साइड की रेशो के स्केयर के इक्वल। सो आप डी एफ के कोरसपोंडिंग की आऊगा, डी एफ आ रहा, डी एफ के कोरसपोंडिंग असी की लै लें बी सी एदा स्केयर, और दूसरा साइड ई एफ लै लें, ई एफ के कोरसपोंडिंग आजूगा साढ़े को ए बी, तो थर्ड साइड बचती है सिर्फ डी ई, डी ई दे ओवर की आ गया कोरसपोंडिंग ए सी का स्केयर। आप एक ही साइड ले लें, तो एक चीज़ आप मिड पॉइंट थ्यूरम की मैं थोड़ा होर रिजल्ट दस चुकी हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी इधर लिख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैं सिर्फ पहली लाइन ले लें आप डी एफ अपॉन बी सी एदा स्केयर, क्योंकि जो मैं थोड़ा दसिया तो दो रिजल्ट आपने किए ने कि थर्ड साइड वह एक तो पैरलर हों, दूसरा जिदे मिड पॉइंट आप ज्वाइन करते हैं वह की होंगी है हाफ होंगी है, ठीक है। सो हूँ असी इतने आ लाइन ली आ डी एफ तो बी सी, यदा मतलब जोड़ा डी एफ आ वह हाफ होगा कि बी सी का, है ना। सो आप इतने लिख सकते हैं कि जोड़ा डी एफ आ वो हाफ होगा कि बी सी का, यह भी सानू कितों पता चलिया मिड पॉइंट थ्यूरम तो।
बाय मिड पॉइंट थ्यूरम। ठीक है, सो आप इतने की वैल्यू ये तो आप बी सी की वैल्यू लेने डी एफ हैगा बी सी अपॉन टू, बी सी की वैल्यू अपने को आजगी टू टाइम डी एफ, तो इतने इनू की करते हैं आप पुट कर दें डी ई एफ ओवर एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी डी एफ एज इट, बी सी की वैल्यू आ गई टू डी एफ, यदा की हो रहा स्केयर डी एफ के नाल डी एफ की हो गया कैंसल, वन बाय टू का स्केयर यानी वन बाय फोर, तो रेशो की आ गई अपने को वन बाय फोर। ठीक है बेटा, बस ध्यान रखना है कि जो गिवन है वो अकॉर्डिंगली ही असं उन्होंने लैके चलना। पहला असं प्रूफ किया मिड पॉइंट्स में लैके पैरलेलोग्राम दोनों, ताकि दोनों ट्रीएंगल सिमिलर हो गई हैं, सिमिलर हो गया तो दूसरा रिजल्ट यूज़ करके अपने रेशो जी फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा।